I would request now Professor Sri Prakash Singh sir, Director South Campus University of Delhi and our chief guest of Sabrang 2020 to kindly address the gathering. Sir is a distinguished faculty member of the Department of Political Science and is passionate about writing as well as research. In my personal experience also, I have seen him spearheading the administration of Delhi University in a straight form and in positive direction. Please, you are welcome, sir, and I request you to please address the gathering. Dhanyavad Santanu. मुझे राजीव जी ने बुलाया और मैं कह सकता हूँ दौड़ा चला आया, क्योंकि राजीव के बुलाने में मेरे पास कोई और शब्द नहीं होते हाँ करने के अलावा। उसका कारण है कि हम दोनों ने लंबे समय तक श्री अरविंद महाविद्यालय में साथ साथ काम की तरह हैं, सुख दुख का रिश्ता है, उन कम लोगों में है जिन पे हम या वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो राजीव जी, मेरा पहला अवसर है आपके प्राचार्य बनने के बाद कि मैं आपके कॉलेज आया हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं देख रहा था कि आपने महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का सहयोग ले लिया है, सबका साथ ले लिया है, और ये किसी भी प्रशासक के लिए सफलता की पहली इबारत होती है कि वह टीम लीडर के रूप में काम करे, सबको साथ लेकर के चले। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं आपके कॉलेज की बहुत सारी फैकल्टी से व्यक्तिगत रूप में परिचित हूं। पॉलिटिकल साइंस का विभाग पूरा का पूरा जानता है, इस नाते सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे विभागीय लोग हैं। इस मंच से सभी को प्रणाम। प्रोफेसर कमल गुप्ता जी, प्रोफेसर कामना सिंह जी, मनीषा सेंगर जी, आदित्य सक्सेना जी, विभास जी, आस्था जी, शांतनु, राजवीर शास्त्री जी, आप सभी को इस मंच से मेरा सादर प्रणाम। और मैं विद्यार्थियों के लिए विशेष करके आपका सबका पहला दिन है, जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी होंगे शायद उनका ये दूसरा साल होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का तो ये पहला साल है। और आपका यह वर्ष इतना सुखद होना चाहिए, इतना उत्तम होना चाहिए कि आप जब अपनी शैक्षिक यात्रा के बारे में सोचें, विद्यार्थी जीवन के बारे में सोचें, तो देशबंधु कॉलेज सुनहरे पन्ने की तरह आपके जीवन में याद आए, ऐसी शुभकामना आप सबको देता हूं। इस कोविड कालखंड में जिसने आपको आपके मित्रों से महरूम रखा, रिश्तेदारों से महरूम रखा, समाज की सामाजिकता से महरूम रखा, आपके महाविद्यालय से महरूम रखा, लेकिन आपके मानवीय स्वभावों से आपका परिचय कराता रहा, उस जज्बे के लिए भी इस मंच से ताली तो अवश्य बनती है। इस नाते मानवीय कृत्य जो हुए कोरोना कालखंड में, उसके लिए हम सबको ताली अवश्य बजानी चाहिए। जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं
और राजनीति विज्ञान में भी भारतीय चिंतन परंपरा का विद्यार्थी हूं। इस नाते कुछ संस्कारों की बात जरूर करूंगा, कुछ मर्यादाओं की बात जरूर करूंगा, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बोझिल किए बगैर अपना स्थान भी ग्रहण कर लूंगा। विद्यार्थी सोच रहे होंगे अभी तो राजीव सर बोल के गए, कामना मैडम बोल के गई, अब सर भी शुरू हो गए। आप लोगों के यहां 50 मिनट की क्लास होती है, हम लोगों की एमए के यहां 2 घंटे की क्लास होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम ही बातों में अपनी बात खत्म कर दूं। देखिए, हम सब विद्यार्थी को देखते कैसे हैं? अगर किसी विद्यार्थी से पूछो तो विद्यार्थी का मतलब है मस्ती, विद्यार्थी का मतलब है कमिटमेंट, विद्यार्थी का मतलब है सद्गुण, विद्यार्थी का मतलब है खिला हुआ चेहरा, विद्यार्थी का मतलब है देश का भविष्य, भारत का भविष्य, परिवार का भविष्य। लेकिन इस यात्रा में आपको न रोक पसंद है न टोक पसंद है। अगर मैं पूछूं तो विद्यार्थी कहेगा मत रोक मुझे, मत टोक मुझे, मैं आज आजाद परिंदा हूं। मत रोक मुझे, मत टोक मुझे, मैं आजाद परिंदा हूं। लेकिन उस आजाद परिंदे के साथ साथ कुछ मर्यादाएं भी होती हैं, और जब मैं मर्यादाओं की बात कर रहा हूं तो एक पक्षी है, उसका चिंतन हमारे मानव समाज के लिए क्या है वो जरूर रखता हूं। बियाबान जंगलों में रहने वाला एक पक्षी उड़कर शहर आ जाता है, और जब वो शहर में इंसानी वृत्तियों को देखता है, उसके लालच को देखता है, उसकी स्वार्थपरता को देखता है, तो पक्षी अपने पक्षी साथियों से कहता है आ लौट चलें अपने नीड, आ लौट चलें अपने नीड, यहां के दस्तूर तो जंगलों से भी बदतर हैं। आप उस पक्षी के मानस के साथ जुड़िए और सोचिए क्या यह समाज जितना खूबसूरत बनना चाहिए था उतना खूबसूरत बना? शायद नहीं बना। और इसलिए ये यहां जो तरुणाई बैठी है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को इतना खूबसूरत बना दे किसी पक्षी को अपने नीड वापस जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो हमारे बीच में रहे। वर्तमान समय में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बहुत प्रचलित लाइनें हैं, शास्त्रोक्त लाइनें हैं जो हम सबने बचपन से भी पढ़ी होंगी, खास करके स्कूल में जरूर पढ़ी होंगी। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आप सोच करके देखिए कि हम अपने जीवन में परमार्थ के काम यानी दूसरों के हित के कार्य कितना करते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जरा सोच करके देखिए कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी जीवन में ये सारे तत्व पढ़ाए गए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम तो ऐसे विद्यार्थी, हम तो ऐसे नवयुवा हैं, मां आप थके हारे मस्ती खोरी करते हुए
बगैर कुछ दिन में हासिल किए हुए शाम को पहुंचते हैं, मां कुछ पूछती है तो आप सामान्यतया झिड़क देते हैं, पिताजी कुछ पूछते हैं रुको ना बताता हूं थक के आया हूं, उनकी मनस्थिति पर नहीं सोचते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, इस युवा वर्ग की जिम्मेदारी है, इस विद्यार्थी वर्ग की जिम्मेदारी है कि अपने आचरण को इतना मर्यादित कर लीजिए, आपका परिवार, आपका समाज, आपका संस्थान आप पर फख्र कर सके। इन्हीं शब्दों के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, आप जीवन में सफल हों। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। विभास जी सोच रहे होंगे हिंदी की खूब कविताएं बोल रहे हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।